हमारी 1 साल से बात चल रही थी, मीन्स हम दोनों के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। उसने मुझे 2 महीनों से कह रहा था कि शादी कर लेते शादी कर लेते, मैं मान नहीं रही थी। फिर उसने मुझे बहुत फोर्स किया, फिर मैंने कहा हाँ हम कर लेते शादी। पहले तो उसने मुझे कहा 2 महीने बाद कर लेते हैं, फिर उसने मुझे बोला 10-15 दिन बाद कर दे, फिर मुझे बोला कि आज ही आ जाओ आज ही शादी कर लेते हैं। मैं फिर मान गई। फिर उसने, मैं शाम को घर से निकली 7:30 बजे, और उसने मेरे सारे टिकट के पैसे, उसने मुझे मना कर दिया था, कहता है कि ना आप पैसे मत देना मैं पैसे दूंगा। फिर मैंने उसकी बात मान ली। फिर जब मैं लखनऊ, चंडीगढ़ से लखनऊ पहुंची, फिर उसने मुझे कहा अपना सिम कार्ड फेंक देना। मुझे उसने अपनी कसम दी थी कि अपना प्लीज सिम आपको मेरी, मैंने फेंक दिया फिर सिम कार्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं किसी दूसरे के फ़ोन से नेट वगैरह लेके मैं उससे बात करती थी। फिर वो मुझे कह रहा था आप जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जब मैं उधर पहुंची, रत्नागिरी पहुंची, तब कोई लड़की बोल रही थी, उसके उसी के ही नंबर से कोई लड़की बोल रही थी, और वो लड़की कहती कि ना ये तो किसी, उसने अपना नाम मुझे पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था, पर ये सच नहीं था, वो एक फ्रॉड था। उसने मुझे फेक आईडी बना के मुझे मैसेजेस किए थे। उस नंबर में से एक लड़की बोल कहती ये तो किसी रोजान का नंबर। उस टाइम मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी, मैं इतना रोई, मैं क्या उस लड़की की वजह से मैं इतनी दूर आई, अपनी फैमिली को छोड़ा, अपनी फैमिली से इतना झगड़ा किया, उसकी वजह से मैं मीन्स इतना भी सफ़र कर रही हूँ ना, क्या बताऊँ। अब वो लड़का कहता कि ना मैं तो तुम्हारे साथ रहा ही नहीं रिलेशनशिप में, किसने कहा, सामने से झूठ बोल रहा है। और उसको जब मैंने प्रूफ दिखाया तब जाके उसने सच बोला। उसका असली नाम रोजान है, मुस्लिम है वो। रोजान तो सोलकर है। वो मुझसे ऐसा क्या हुआ, उसने पूरा बताया कि वो ना अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहा था, कहता कि ना मेरे फ्रेंड ने ही बोला था आपको मैसेजेस, उस कॉलिंग में उसका फ्रेंड बोलता था और मैसेजेस में वो मुझे मैसेजेस करता था, और मुझे पता ही था ऐसा सब कुछ हो रहा था। वीडियो कॉल मैंने उसे इतनी बार फोर्स किया ना, मैं कह 1 साल हो गया हमारे प्यार को, तो एक बार वीडियो कॉल, कह रहे नहीं करनी मैंने वीडियो कॉल, जब मिलेंगे ना तभी हम मीन्स एक दूसरे को आपस में देख लेंगे। हाँ, उसने अपनी फेक फ़ोटोज़ भेजी थी मुझे। आईडी का नाम pvt.0122 था। आईडी का नाम ही यही था pvt.0122। नाम उसने मुझे अपना पूरा हर्ष यादव कुमार बताया था, और ये बताया था कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में और मेरी मम्मा भी पॉलिटिक्स में, और मैं दिन में कॉलेज जाता हूँ, मेरा सेकेंड ईयर बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज है, और दिन में मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर बाद में मैं अपने पापा की फैक्ट्री चलाता हूँ डीजल की। हाँ जी, पढ़ी लिखी हूँ, पर उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि बस क्या बताऊँ, इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी ज़िंदगी में। अब ये गलती मैंने कभी नहीं करनी, मैंने भी LLB करनी है, लॉयर जज बनना और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना। रत्नागिरी में पहुँची, फिर मैं उसको मैंने आधे 1.5 घंटे तक मैं उसको इधर उधर ढूंढती रही, मैं कहाँ पे। उसने मेरा सिम भी निकलवा दिया था। फिर मैंने किसी और लड़की बैठी थी उसको बोला कि मुझे प्लीज़ हॉटस्पॉट दे दे, मैं उससे बात करें। फिर मैंने उसे इतने मैसेजेस किए, इतने कॉल्स के, उठाया नहीं। फिर बाद में जब सिंपल कॉल की मैंने, तब जाके किसी लड़की ने उठाया। नहीं, वो
कह रहा था मैं लेने आऊंगा 7:30 बजे, मैं जल्दी आ जाऊंगा, पर वो आया नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मैं ना मेरे पास पैसे थे ना कुछ था मेरे पास, मैं फिर इधर उधर गई, मैं क्या जॉब के लिए ढूंढती हूँ, क्या पता पैसे आ जाए मेरे पास, मैं घर वापस जा सकूँ। फिर एक मोबाइल की शॉप में गई, उधर के भैया इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी, उन्होंने मेरी हेल्प की और पुलिस को बताया। और जब पुलिस उस लड़के को लेके आई, उसने सब अपना सच कबूल कर दिया कि मैं अपने मुंबई में, मेरा एक फ्रेंड है अयान, वो हर्ष कोई था नहीं, फेक नेम था, वो मेरा फ्रेंड है अयान, उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैं उसके कॉन्टेक्ट में जब लास्ट टाइम जब लड़की बात कर रही थी तब तक वो कह रही थी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पर अभी ना मैं रत्नागिरी में नहीं। उसने हाँ, जब पुलिस ने जब उस लड़के को फोन किया तब जाके वो आया। हाँ किया था वो, कहता कि हाँ मेरे फ्रेंड है, हाँ ये मेरी हेल्प करता था मेरे से बात करने के लिए। वो लड़का मुंबई का है, आयान, वो नहीं, वो रोजान है जिसकी हेल्प कर रहा था, उस लड़के का नाम आयान है। नहीं मिली, नहीं मैं, हाँ जी हाँ जी, कॉल मैसेजेस रोजान करता था, कॉलिंग आयान से होती थी। हाँ जी, एक ही नंबर से कॉलिंग में, सिंपल कॉलिंग में। नवीन नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तास लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि अपडेट रहा।